सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। अफोर्डेबल फीस, स्पेशियस क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर ने राजभवन में पौधा लगाकर मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इकोसिस्टम की बेहतरी और बहाली के लिए काम करने पर दिया जोर। सीएम केसीआर ने रखा भारत भवन सेंटर फॉर एक्सीलेंस का संगे बुनियाद। हैदराबाद कोकापेट में तकरीबन 11 एकड़ पर 15 मंजिला इमारत की होगी तामीर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में तकरीब। वजीर केटीआर ने रीथिंक नॉलेज हब और एनवायरनमेंटल सर्विलियंस लेबोरेटरी का किया इफ्तिताह। मजलिस पार्टी के साबिक सदर फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की 48वीं बरसी। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कायदीन व दीगर के हमरा पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना यौम तासीस 10 साल तकारीब के तहत तेलंगाना भर में पावर विक्ट्री जश्न मनाया गया। अरकान असेंबली व दीगर कायदीन ने तकारीब में की शिरकत। तेलंगाना में बिजली के शोबे में हुई तरक्की पर डाली रोशनी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरा राजन ने आज राजभवन में पौधा लगाकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पौधा लगाकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने शहरियान पर जोर दिया कि वो फितरत और माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए काम करें। इस मौके पर गवर्नर ने राजभवन के स्टाफ को इको सिस्टम की बेहतरी और बहाली के लिए काम करने का अहद दिलाया। జీవితం జంతుకు వీలైన ఒకే ఒక్క ప్రదేశం భూమి దాని విలువ అమూల్యమైనది ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ భూమి కాపాడుతున్నాని పరిశుభ్రంగా తెలంగాణకి వజీరాలా కె చంద్రశేఖర్ రావు నే ఆజ్ పీర్ కో భారత్ భవన్ సెంటర్ ఫార్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ కా సంగ బునియాద్ రఖా జో కె जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तामीर किया जाएगा। सीएम केसीआर ने हैदराबाद के कोकापेट में तकरीबन 11 एकड़ पर फैले 15 मंजिला ढांचे के तामीराती काम के आगाज़ के लिए ये संगे बुनियाद रखा। इस तकरीब में बीआरएस के सेक्रेटरी जनरल और पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशव राव, वुजरा पी सविता इंदर रेड्डी, विमला प्रशांत रेड्डी, महमूद अली मल्ला रेड्डी, लोकसभा फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव, मेम्बरान पार्लियामेंट के आर सुरेश रेड्डी, डी दामोदर राव, जे संतोष कुमार, जी रंजीत रेड्डी, वी रविचंद्र, पी दयाकर के अलावा अराकीन काउंसिल व असेंबली और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। बता दें कि बीआरएस जिसने पहले ही दिल्ली में पार्टी का कौमी दफ्तर और कई दीगर रियासतों में रियासती दफातर कायम किए हैं, किसी भी दूसरी सियासी जमात के बरक्स
हैदराबाद में एक जदीद तरीन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तामीर का काम शुरू किया है। भारत भवन सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक मरकज के तौर पर कायम किया जा रहा है, जहां सियासी अवेयरनेस प्रोग्राम, तरबियती क्लासेस मुनक्किद होंगी और कारकुनों व लीडरों को जामे मालूमात फराहम की जाएंगी। इब्तदाई मरहले में 15 मंजिला इमारत की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। रियासती वजीर आईटी केटी रामा राव ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हैदराबाद के खैरताबाद में वाक़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में मुनक़्क़िदा तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रीथिंक नॉलेज हब और एनवायरनमेंटल सर्विलियंस यानी माहौलियाती निगरानी लेबॉरट्री का अफ्तिताह अंजाम दिया और अपनी खिताब में उन्होंने सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मुबारकबाद दी और वाज़ेह किया कि शहर हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाना चाहिए और इसकी बेहतरी के लिए शहरियों की शराकत जरूरी है। దేశంలోనే అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక సవివరమైన సమగ్రమైన నివేదికను వారు విడుదల చేయడం జరిగింది। అందులో అన్ని రంగాల్లో ముందున్నట్టుగానే తెలంగాణ పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా అగ్రభాగాన ఉంది। మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే చాలా ముందుకుంది అని చెప్పి వారు కూడా స్వయంగా నిన్ననే నివేదిక విడుదల చేయడం రాష్ట్ర ప్రజలుగా మనందరికీ గర్వకారణమనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బహుశా నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన స్పృశించని ఆయన ఆలోచించని ఏ రంగం కూడా లేదు। సాగునీరు కానీ తాగునీరు కానీ అటవీ సంపదకు సంబంధించి కానీ పరిశ్రమలు కానీ పంచాయతీరాజ్ కానీ పట్టణాభివృద్ధి కానీ ఏ రంగమైనా తీసుకోండి, సంక్షేమం కానీ ఇంకోటి కానీ ఏ రంగంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తనదైన ముద్ర వేయకుండా తనదైన ఆలోచన ధోరణిని ప్రవేశపెట్టకుండా ఏ రంగాన్ని కూడా ఆయన విస్మరించలేదు, ఏ రంగాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు। అయితే ఇందాక ఇంకా జరగాల్సిన పని చాలా ఉంది అని నేను అన్నమాట కూడా ఊరికే అనలేదు। ఇవాళ హైదరాబాద్ తెలంగాణ మాత్రం ఉదాహరణకి మర్సర్ అనే ఒక సంస్థ ఉంటుంది, ఆ సంస్థ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ అని చెప్పి విడుదల చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం। ఏ నగరాలు భారతదేశంలో అత్యంత నివాస యోగ్యమైన నగరాలు, క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్లో జీవన ప్రమాణాలు ఎక్కడ మెరుగ్గా ఉన్నాయని చెప్పి నివేదికలు విడుదల చేస్తూ ఉంటారు। 2015 నుంచి 2020 వరకు వరుసగా 5 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు భారతదేశంలోని అన్ని నగరాలు అన్ని పట్టణాలు స్టడీ చేసిన తర్వాత వారు ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్ ఏమంటే హైదరాబాద్ ఇస్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా అమంగ్ ఆల్ ఇండియన్ సిటీస్. బట్ నేను అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ నేనేం చేశాను అంటే సరే హైదరాబాద్ మంచిది, మంచి నగరం, దేశంలో అత్యుత్తమం అంటున్నారు కదా, మరి ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నాం మనం అని చెప్పి నేను అదే సంస్థ, ఎందుకంటే దే ఆల్సో ర్యాంక్ వరల్డ్ సిటీస్ ఆన్ ద సేమ్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్, ప్రపంచంతో పోలిస్తే మనం ఎక్కడున్నాం అని చెప్పి నేను ఒక క్యూరియాసిటీ కొద్దీ ఉత్సుకత కొద్దీ ఆ రిపోర్ట్ తీసుకొని చదివిన హైదరాబాద్ మేబీ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా బట్ హైదరాబాద్ ఇస్ ర్యాంక్ 142nd। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साबिक सदर फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 48वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर सदर मजलिस व हैदराबाद उपन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के अरकान असेंबली और काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के साथ दरगाह आगा दाऊद पहुँच कर फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी के मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा खानी की और भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने आज बहादुरपुरा में महकमे बरखी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना यौम तासीस 10 साल तकारीब के तहत तेलंगाना पावर विक्ट्री प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर महकमे बरखी के अहदेदारान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और रुकन असेंबली के पी विवेकानंद ने आज पेट बशीराबाद में नए कायम करदा मेचल ट्रैफिक जोन कॉम्प्लेक्स और सुराराम में सुराराम पुलिस स्टेशन का अफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मल्ला रेड्डी ने मेचल ज़िले में 9 नए पुलिस स्टेशन, 2 DCP ऑफिस, 3 ACP दफातर देने के लिए वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में आबादी के लिहाज से पुलिस स्टेशनों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है ताकि अमन व ज़ब्त को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 साल यौम तासीस तेलंगाना की तकरीबात के मौके पर नए पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। वहीं रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने कहा कि इंतजामिया और शहरियान की सहूलत के लिए नए पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं।
कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा मंडल सेंटर में मुनक्कदा पावर विक्ट्री प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस तकरीब में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश गोत्रे, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करती है। మంచి జీవితంతో కరెంటు పూర్తిగా ముడిపడుతుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, జల్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, డిస్కో డిపార్ట్మెంట్ ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఏ చిన్న కష్టపడుతున్నా ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా 9 గంటల కరెంట్ తీరాలని చెప్పి పట్టుబట్టి ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైతే ఉత్పత్తి అయిందో ఆ రాష్ట్రాలు కరెంటు కొని మొదటి సంవత్సరం వానాకాలంలో 9 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. రైతాంగానికి కడుపు నిండా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఒకే ఒక రాష్ట్రం భారతదేశం మొత్తం మీద తెలంగాణ రాష్ట్రం. మనకి ఇంతవరకు बोधन रुकने असेंबली शकील आमिर ने तेलंगाना यौम तासीस की जारी 10 साल तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर आज बोधन शहर के एआर गार्डन में मुनक्कदा विद्युत प्रगति सभा यानी तेलंगाना पावर विक्ट्री के जश्न में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। वाजह हो कि रियासती हुकूमत की जानिब से 2 जून से 22 जून तक तेलंगाना यौम तासीस तकरीबात के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। रुकने असेंबली शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों को 24 घंटे मियारी बरखी सप्लाई करने में आगे बढ़ रही है। ज़िरात के लिए 24 घंटे मियारी मुफ्त बिजली फराहम करके तेलंगाना रियासत ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। तेलंगाना की तरक्की के मॉडल को दूसरी रियासतें भी अपनाने का मंसूबा बना रही हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भैंसा म्यूनसिपैलिटी के ज़ेर एहतमाम आज आलमी यौम माहौलियात यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर रैली निकाली गई। इस रैली में भैंसा म्यूनसिपैलिटी का अमला, सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन और मेपमा के अमले ने शिरकत की। इस मौके पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी और पौधों की काश्त के बारे में बताया गया।
मिनबर व मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में 200 सेंटर्स क़ायम करते हुए स्कूली तलबा व तालिबात को दीन की बुनियादी मालूमात से आगाह करने के लिए दीनी गरमाई कोर्सेज का इनेकाद किया गया। कोर्स की तकमील पर इम्तहानात में अव्वल दुव्वम और सूवम आने वाले तकरीबन 700 खुशनसीब तलबा व तालिबात में इनामात मोमेंटोस और मेडल्स तकसीम किए गए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं गयास अहमद रशादी, सदर मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया। जैसा कि आप ये मंज़र देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके सामने मुजाहरा कर रहे हैं तालीमी, ये नतीजा है मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतमाम जो 200 सेंटर्स शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए थे और 200 मालिमीन और मालिमात ने रोज़ाना 2 घंटे की तरतीब पर इनकी तरबियत की, इनको तालीम दी और इस्लाम की बुनियादी मालूमात से इनको आगाह किया और दीन से जोड़े रखने का एक अहम तरीन इकदाम था। ये वक्त की ज़रूरत है और एक चैलेंज भी है कि इस वक्त में स्कूली जो बच्चे हैं, तलबा और तालिबात हैं, इनको दीन से जोड़ा रखा जाए और इनकी तरबियत की जाए। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने तक मुसलसल 3 मई से 3 जून तक मुसलसल तालीम हुई और इम्तहान इन बच्चों के हुए, उसमें जो 1st, 2nd, 3rd आए और आज हम खुश हैं इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चों ने इस्लाम की बेसिकली जो मालूमात हैं, बुनियादी तालीमात हैं, उनका इल्मी मुजाहरा पेश किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम को जिन्होंने इसमें तआवुन किया, जज़ाकल्लाहु खैर। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बीदर की जामे मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक़्श और हज रहीम खान की जानिब से अंजुमन खादिमुल हुज्जाज बीदर के ज़रिए अहतमाम तरबियती कैंप मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर इस साल मुक़द्दस सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन को ऑल इंडिया हज ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनी सैयद एजाज अहमद रिटायर्ड IAS बेंगलोर ने सफ़र हज और मनासिक हज के बारे में तफसीली मालूमात एक PPT प्रेजेंटेशन के ज़रिए फरहाम की। इस मौके पर आज़मीन हज के अलावा शहर के दीगर मौजज़ीन और अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के अहदेदारान मौजूद थे और कैंप की निगरानी वज़ीर मौसूफ के भांजे मोहम्मद सलमान ने की। आपको चाहिए कि आपको एक पाउच चाहिए, आपको एक पाउच चाहिए, ये पाउच याद रखो, इसके अंदर क्या क्या रखना आपको मालूम है, एक चश्मा, एक पासपोर्ट, 3 दिन की दवाइयाँ, कितने दिन के, 3 दिन की दवाइयाँ, पूरे महीने के पाउच में रखो, रखो आपको सिर्फ 3 दिन की दवाइयाँ रखना है। उसके बाद विस्तारा एयर आपके पास, आपका भी विस्तारा चाहिए हैदराबाद, विस्तारा की एयर टिकट, उसके बाद बोर्डिंग पास, उसके बाद पैसे, कितने चीज़ें आपको उसमें रखना है। नेक्स्ट हैंडबैग में कितने किलो में हैंडबैग का, 7 किलो, 7 किलो वजन की चीज़ें आप जो चाहे रख लें, 7 किलो वजन की चीज़ आप जो चाहे रख ले, मगर इनको रखना ना भूलें। इसके मेडिसिन 3 दिन के, उसमें 38 डेज के मेडिसिन, ई वीजा की एक का पावर बैंक आपका हैंड बैग रखना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आपको रखना है, जांच नहीं सकता ना भूले, नेक्स्ट भी डालो। ये क्या है शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा भंडलागुड़ा कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद के राउडी शीटर्स की आज चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग की गई। DCP साउथ ईस्ट जोन रूपेश ने तमाम राउडी शीटर्स से बात करते हुए उनकी मौजूदा सरगर्मियों के बारे में दरियाफ्त किया और किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी से दूर रहने का मशवरा दिया, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। पूरा राउडी शीटर्स को काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाया, तो इस काउंसलिंग में वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कुछ क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं, उससे बात करके पता चला। उनको एक अपील किया गया कि वो एक क्राइम वगैरह नहीं करके थोड़ा चेंज होके पूरा सोसाइटी में थोड़ा सज्जन जैसा जीने के लिए कोशिश करने के लिए कोशिश करो बोल के बोल दिया। और एक चीज़, इनको वार्निंग भी दिया गया कि अभी आने वाला फेस्टिवल का सीज़न में और इलेक्शन का सीज़न में किसी एक छोटे इशू में भी इन्वॉल्व नहीं होना बोल के वार्निंग किया गया। तो इस समय में और एक अपील कर रहा है कि ऑल सस्पेक्ट शीटर्स एंड सबको एक हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से एक वार्निंग दे रहा है कि अभी आने वाले दिन में
एक चीज एक इशू में भी इन्वॉल्व नहीं करना है, कुछ इशू होगा तो कंसर्न पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेंट करना है। सो राइवलरी या पर्सनल इश्यूज जो भी है वो आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, तो पुलिस वाला अच्छा रिस्पॉन्ड करके वो इश्यू सॉर्ट आउट करेगा। सो इस समय पर आई पूरा 50% का बाइंड ओवर भी किया गया है। सो ए रेगुलर काउंसलिंग सेशंस और ए बाइंड ओवर्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स रेगुलरली हम करेंगे और चंद्रनगुट्टा डिवीजन और 3 पोजीशन में लैंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में वाक़े कृष्णा नदी में तैराकी के दौरान एक ही खानदान के 4 बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या इटकियाल मंडल के मंगापेट में दरियाए कृष्णा में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को गोताखोरों की मदद से पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने मरने वालों की शनाख्त 17 साल आफरीन, 8 साल समीर, 7 साल नौशीन और 15 साल रेहान के तौर पर की है। शहर मुस्तकर आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर इन दिनों अपनी मुख्तलिफ समाजी खिदमात की बिना सुर्खियों में हैं। उनकी खिदमात को सराहते हुए दुर्गम शेखर की सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। रुकन असेंबली जोगुरमना, BRS पार्टी अखिलेती क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी समेत सियासी समाजी शख्सियात, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और सहाफ़ियों ने दुर्गम शेखर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। शहर मुस्तकर आदिलाबाद के मजाफाती इलाके KRK कॉलोनी में उम्मत के नौनिहालों को दीनी तालीम व तरबियत से आरास्ता करने के खर्च मदरसा फैजुल उलूम की तामीर के लिए बाज़ाब्ता संग बुनियाद तकरीब बरोज़ इतवार मुनक़िद की गई। इस सिलसिले में बरोज़ इतवार अज़मत क़ुरान व मदारिस इस्लामिया की अहमियत पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अय्यूब खान इशाती मोतमम दारुल उलूम तालिमुल क़ुरान पाटन पोरी महाराष्ट्र ने शिरकत करते हुए मदरसे के जिम्मेदारान हाफिज शेख अनीस इशाती, नाजिम मदरसा और मदरसे की इंतजामी कमेटी की मौजूदगी में संग बुनियाद रखा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर ने राजभवन में पौधा लगाकर मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इकोसिस्टम की बेहतरी और बहाली के लिए काम करने पर दिया जोर। सीएम KCR ने रखा भारत भवन सेंटर फॉर एक्सीलेंस का संग बुनियाद। हैदराबाद कोकापेट में तकरीबन 11 एकड़ पर 15 मंजिला इमारत की होगी तामीर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में तकरीब। वजीर KTR ने रीथिंक नॉलेज हब और एनवायरनमेंटल सर्विलियंस लेबोरेटरी का किया इफ्तिताह। मजलिस पार्टी के साबिक सदर फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की 48वीं बरसी। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कायदीन व दीगर के हमरा पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना योम तासीस 10 साल तकारीब के तहत तेलंगाना भर में पावर विक्ट्री जश्न मनाया गया। अरकान असेंबली व दीगर कायदीन ने तकारीब में की शिरकत। तेलंगाना में बिजली के शोबे में हुई तरक्की पर डाली रोशनी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोस को। लाइक और शेयर जरूर कीजिए।